बम बम भोले, अलग ही मजा है यार यहाँ पर। सही में अलग ही मजा आ रहा है, और ये जो खूबसूरत सा लहर आ रहा है ना, इसको देखने में अलग ही आनंद आ रहा है। नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शाम 5 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ रायपुर से पुरी के लिए। पुरी जा रहा हूँ, रायपुर से पुरी तक का ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ, साथ ही वहाँ पर थोड़ा सा घूमूंगा पुरी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ रायपुर रेलवे स्टेशन के पास। जो मेरा ट्रेन है दुर्ग पुरी एक्सप्रेस, वो अभी थोड़ी देर में ही है, मात्र 10-15 मिनट बचे हुए हैं। तो चलिए फिर चलते हैं स्टेशन के अंदर और अपना ट्रेन पकड़ते हैं पुरी के लिए। बाकी आप देख लीजिए, ये रायपुर रेलवे स्टेशन का पीछे वाला एरिया है, ये भी अभी डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुका हूँ और देख सकते हैं आप मेरे पीछे रायपुर जंक्शन लिखा हुआ है। और यार कहीं भी जाता हूँ ना तो मैं अपने रायपुर को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो फिलहाल अभी ट्रेन के आने का टाइम है, मात्र 5 मिनट बचे हुए हैं। 5:05 में मेरा ट्रेन आने वाला है, तो वेट कर रहा हूँ। और मैं जनरल से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो रायपुर से पुरी जा रहा हूँ। उसका जनरल बोगी का टिकट है 220 रुपये। तो चलिए फिर ट्रेन आने का वेट करते हैं थोड़ा। इसी ट्रैक पर आने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो जैसे ट्रेन आता है फिर अपना ट्रेन पकड़ते हैं और निकलते हैं भाई। भाई अपना ट्रेन आ चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाइस अभी मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ और ऊपर वाले सीट में बैठा हुआ हूँ। जब भी मैं जनरल से यात्रा करता हूँ तो ऊपर वाले सीट पर ही बैठता हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें सोने भी मिल जाता है। और यार आप जब भी जनरल में यात्रा करते हैं या फिर स्लीपर में भी यात्रा करते हैं तो ध्यान रखिए अपने सामान का, पर्स हो गया, मोबाइल हो गया। क्योंकि अभी एक अंकल मिले थे, वो बता रहे थे कि उनका पर्स चोरी हो गया करके जब वो चढ़ रहे थे तो। और मैं आपको दिखाया भी था, जब मैं अभी चढ़ रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। इस तरह से माहौल है अभी और भीड़ है यार। वैसे तो ट्रेन देख लीजिए, भीड़ है ट्रेन। तो गाइस अपना ट्रेन निकल चुका है रायपुर रेलवे स्टेशन से और इस वक्त टाइमिंग की बात करूं तो शाम के 5:30 बज रहे हैं। दिनों बाद ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट जो ट्रेन जर्नी था वो अयोध्या वाला था। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं बागबाहरा स्टेशन के पास और थोड़ा सा भूख लग रहा था तो ये अपने साथ थाली लाए हुए थे घर से, भूंजा वाला ये खा रहे हैं। और बाकी मज़ा आ रहा जर्नी में। ब्लॉग में आप बने रहिएगा, आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। अभी रात के 9:16 हो रहे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ टिटलागढ़ जंक्शन में। और अभी यार यहाँ पर इसलिए उतरा था थोड़ा सा पानी वगैरह लेने के लिए। बाकी यहाँ पर इसका 20 मिनट हॉल्ट है और रोज़ 8:40 तक पहुँच जाता है यहाँ पर ट्रेन दुर्ग पुरी एक्सप्रेस। और आज पहुँचाया हुआ है 9 बजे के आसपास। बाकी ये देख लीजिए हमारा ट्रेन। और पानी वगैरह मैं पहले ले लेता हूँ और फिर वापस चलते हैं ट्रेन में। अपने साथ कुछ खाने के लिए लाए थे, उसको खा लेंगे और फिर सीधा सुबह आपसे मिलेंगे पुरी में। बाकी गाइस टिटलागढ़ में हमारा ट्रेन 20 मिनट रुकने वाला है, तो 20 मिनट में आप यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी ले सकते हैं, चाय वगैरह सब मिलता है, समोसा वमोसा सब मिलता है यहाँ पर। मतलब जो स्टेशन में नाश्ता वगैरह मिलता है सभी मिल जाएगा आपको। अभी रात के 11 बजने वाले हैं और हम अभी डिनर कर रहे हैं। डिनर में वैसे खाना तो अपने साथ शाम को रखे थे, मैगी गर्म था शाम को, लेकिन अब ठंडा हो गया और खाना वाला भी नहीं आ रहा है तो इसी को खा रहे हैं। और अपने साथ ये लाए थे रोटी, अभी खाने वाले हैं इसको। गाइस
तो अभी 8 बज रहे हैं और 8 बजे से यहाँ से निकल रहे कटक से, 7:50 में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। गाइस अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं पहुंच चुका हूं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और यहां पर 5 से 10 मिनट रुकने वाला है हमारे को। अब इसके बाद एक स्टेशन और पड़ेगा, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर पूरी में। ये सामने एक ट्रेन जा रहा है सिकंदराबाद भुवनेश्वर वाला, जो कि सिकंदराबाद से सीधा भुवनेश्वर आता है। तो अपना ये ट्रेन भुवनेश्वर से निकल चुका है अब पूरी के लिए, लास्ट इसका डेस्टिनेशन है पूरी। तो अब देखते हैं पूरी कितने बजे पहुंचेंगे। वैसे ऐप में दिखा रहा था 9 बजे के आसपास, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिले कर रहा है ट्रेन, और जैसे डिले भी होता है तो 10 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। पूरी पहुंचने वाले हैं और इस वक्त टाइमिंग की बात करूं तो 11 बजने वाले हैं। यहां पूरी पहुंचाने का टाइमिंग जो है 9 बजे का था, लेकिन रुकते रुकते आ रहा है ट्रेन, इसलिए 2 घंटा लेट हो चुका है। बस कुछ ही किलोमीटर और फिर पहुंच जाएंगे। बाकी देख लीजिए ट्रेन का स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, और ये सामने आ रहा है पूरी स्टेशन। ट्रेन का स्पीड पूरा कम हो गया है और ये लगभग हम पहुंच चुके हैं पूरी स्टेशन में। ये सामने आप देख लीजिए पूरी। तो चलिए फिर ट्रेन से उतरते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बीच की तरफ। लगभग फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पूरी में, और उतरने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल कोच का सिचुएशन दिखा देता हूं, किस तरह से रहता है, सीट कैसे रहता है, क्या क्या सुविधा रहता है बता देता हूं। तो देख लीजिए ये जनरल कोच का पूरा सीट है, और कुछ इस तरह से सीट है लेफ्ट साइड वाला, खिड़की साइड की तरफ वाला, और बाकी आप इधर सामान वगैरह रख सकते हैं। ऊपर वाला आप सीट देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, और इसके पहले जो जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वहाँ पर इसमें कुशन लगा हुआ था, लेकिन इसमें नहीं लगा है। और बाकी पंखा वगैरह की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, इसके साथ ही चार्जिंग वगैरह की भी सब सुविधा रहती है। तो काफ़ी ठीक ठाक ही है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और जब ये दुर्ग से निकलता है तो बिल्कुल क्लीन रहता है, और पूरा पूरी पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम तो अभी गंदा हो चुका होगा, बाकी जब दुर्ग से निकलता है तो पूरा साफ़ सुथरा रहता है। देखते हैं, आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए कुछ इस तरह से इसका वॉश बेसिन, और ये रहा मिरर। और वॉशरूम तो भाई बहुत गंदा है, अभी तो दिखा नहीं सकता हूँ। बाकी इसी तरह से है जनरल कोच का स्टेटस। अब ये फिर से जाने वाला है रायपुर पूरी से। बाकी गाइस मैं आप लोगों को ट्रेन का भी स्थिति दिखा दिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ बीच की तरफ। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का एंट्री दिखा देता हूँ, उसके बाद आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करने वाला हूँ। बस स्टेशन से अब बाहर निकल रहा हूँ, बीच की तरफ जा रहा हूँ। बीच में नहाएंगे समुद्र में, उसके बाद सीधा जाएंगे मंदिर दर्शन करने के। और यार इस तरह से जो ट्रैक पार कर रहे थे, बिल्कुल आप वैसे मत कीजिएगा, सीढ़ी से जाइए, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन आते जाते रहते हैं, तो दुर्घटना हो सकता है, ध्यान रखिए। कि गाइस अभी मैं पूरी स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ, और स्टेशन में आप नज़ारा देख लीजिए, ये है डिजिटल लॉकर सामने, और इधर आरक्षण केंद्र है, टिकट काउंटर है, कुछ इस तरह से है पूरी का टिकट काउंटर। और जैसे ही अब थोड़ा सा बाहर निकलूँगा, उसके बाद फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगा, क्योंकि यार ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा।
अभी मैं पूरी स्टेशन से अब बाहर निकल चुका हूँ और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करने वाला हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जर्नी अच्छा था अपना, ट्रेन जर्नी रायपुर से किए थे, रायपुर से पूरी तक का। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख कर बताइए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए और बीच में नहाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो वो वाला व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, फिलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।